क्या आपके भी बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गए हैं? उम्र से पहले सफेद बालों से परेशान हैं आप? बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, रूखे बेजान हो गए हैं? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निधि, आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप और आपके परिवार वाले सारे सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इसमें ना ही कोई मेहंदी है, ना ही कोई आंवला है, ना ही इंडिगो है, बट ये आपको 100% रिजल्ट देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए हमें एक क्लीन बाउल ले लेना है, कोई भी लोहे का बर्तन हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे एक चम्मच इतना हमें ऐड करना है लेमन पील पाउडर। ईजली आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या तो बंसारी के शॉप से भी आपको ईजली मिल जाएगा। आपको पता ही है कि जो नींबू का जो पाउडर होता है, नींबू खास करके हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाता है, डैंड्रफ फ्री करता है, साथ ही साथ काला बनाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ ब्लैक कत्था पाउडर। ये आपको ईजिली ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप चाहें तो आप पान दुकान से भी ला सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है हमें, बस थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना है, आधा चम्मच इतना। इन दोनों को मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पे ऐड करना है आपको अपना फेवरेट शैम्पू। तो मैं डव इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं यहाँ पे एक चम्मच इतना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस एक चम्मच इतना हमें ऐड कर देना है अपना फेवरेट शैम्पू। जो भी आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं बस वही ऐड करना है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको डव ही ऐड करना है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर पानी भी ऐड करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये ईजली आप अप्लाई कर सकते हैं बालों पे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करूंगी, और मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल डाई कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, जैसे एक पेस्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो ये ईजली हम इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों पे। लगाना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसे बस अपने टूथब्रश से आप लगा लें, जो बेकार वाला टूथब्रश होता है, या तो हेयर डाई ब्रश से आप इसे पूरे बालों पे लगा लें, हेयर रूट्स पे लगा लें। आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए बालों पे यूं ही रहने दें। ये दिख रहा है आपको बिल्कुल ब्लैक कलर आ गया ना, इसी तरह आपके बालों पे भी आ जाएगा, बट इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो दोस्तों इसे 15 से 20 मिनट रखने के बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, और ये प्रोसीजर आपको हफ्ते में 2 बार ज़रूर करना है। जितने भी सफ़ेद बाल हैं ना, वो धीरे धीरे ब्लैक में चेंज हो जाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।